बाहुबली के लिए डर रहे हो क्या? जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। प्रभास की बॉडी पर हुआ था कितने करोड़ का खर्चा, कितनी थी स्टार्स की फीस, क्या बनने जा रही है बाहुबली 3। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मौलिकराज स्टूडियोज़, मैं सोनिका जुआर। दोस्तों, SS राजा मौली की डायरेक्शन में बनी फिल्म बाहुबली द बिगनिंग के रिलीज को 7 साल हो गए हैं। 10 जुलाई 2015 को रिलीज हुई इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 600 करोड़ का कलेक्शन किया था। इसका क्रेडिट शानदार कहानी, जानदार एक्टिंग और कमाल के डायरेक्शन को जाता है। इस फिल्म ने शिवा, महेंद्र बाहुबली और अमरेंद्र बाहुबली के रोल करने वाले प्रभास को अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। इसकी वजह थी उनकी ज़बरदस्त बॉडी और उनकी एक्टिंग। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें बाहुबली बनाने के लिए मेकर्स ने कितना खर्चा किया? तो चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, महेंद्र बाहुबली और अमरेंद्र बाहुबली के कैरेक्टर के लिए अपनी बॉडी पर प्रभास ने खूब काम किया। इसके लिए मेकर्स की ओर से उन्हें 1.5 करोड़ रुपए की जिम इक्विपमेंट्स दी गई, जिनसे प्रभास ने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर लक्ष्मण रेड्डी की निगरानी में वर्कआउट किया। प्रभास की नॉर्मल डाइट में मछली, एग वाइट, सब्जियां और बादाम जैसे ड्राई फ्रूट्स होते थे। अब फीस की बात करें तो डायरेक्शन की बात करें तो SS राजा मौली ने 24 करोड़ रुपए चार्ज किए थे इसके पहले पार्ट के लिए, और दूसरे पार्ट के लिए किए थे 28 करोड़ रुपए चार्ज। वहीं दोस्तों, फीस के मामले में दूसरे नंबर पर थे प्रभास, जिन्हें पहले पार्ट के लिए 20 करोड़ और दूसरे पार्ट के लिए 25 करोड़ रुपए दिए गए थे। राणा दग्गुबाती, जो कि बने थे भल्लाल देव और इस फिल्म के विलन, उन्हें पहले पार्ट के लिए 10 करोड़ और दूसरे पार्ट के लिए 15 करोड़ रुपए दिए गए। फिल्म में देवसेना बनी थी अनुष्का शेट्टी। बताया जाता है कि पहले पार्ट के लिए उन्हें 3 करोड़ और दूसरे पार्ट के लिए 5 करोड़ रुपए दिए गए थे। अवंतिका का कैरेक्टर इस फिल्म में तमन्ना भाटिया ने निभाया और इस फिल्म के लिए उन्हें 3 करोड़ और दूसरे पार्ट के लिए 4.5 करोड़ रुपए मिले। वहीं दोस्तों, शिवगामी का कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा यादगार बन गया। इसे राम्या कृष्णन ने प्ले किया था और उन्हें पहले पार्ट के लिए 1.5 करोड़ और 2.5 करोड़ मिले थे दूसरे पार्ट के लिए। इसके अलावा सत्यराज, जो कि मामा कटप्पा बने थे, उन्हें पहले पार्ट के लिए 1 करोड़ और दूसरे पार्ट के लिए 2 करोड़ रुपए मिले। वहीं भल्लाल देव के पिता बिज्जल देव को पहले पार्ट के लिए 1 करोड़ और दूसरे पार्ट के लिए भी 1 करोड़ रुपए दिए गए। तो दोस्तों, अब बाहुबली 3 का इंतज़ार है और जिस तरह से सीरीज आगे बढ़ रही है, फीस भी बढ़ती जा रही है, तो इसमें भी करोड़ों का खर्चा होगा। अब देखना होगा कब तक रिलीज होगी बाहुबली 3। आपको कितना वेट हो रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल मौलिकराज स्टूडियोज़ को।